हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पजेसिंग। सो क्वेश्चन में पूछा है कि माइटोटिक एनाफेज मेटाफेज से किस तरीके से डिफरेंट है। फर्स्ट है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे। सेकंड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे। थर्ड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे। फोर्थ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे। सो द की कांसेप्ट इज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो माइटोसिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स में होता है। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर पेरेंट्स में जितना होगा उतना ही ऑफस्प्रिंग में होता है। और यहाँ पर एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं? दो डॉटर सेल्स बनते हैं। सो इसकी फोर स्टेजेस होती हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है वो भी विजिबल होने लगते हैं। देन आफ्टर ये क्रोमोसोम्स जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेंट्रोमियर, और यहां पर ये क्लियरली विजिबल होते हैं। तो नॉर्मल क्रोमोसोम में ये क्या है? एक क्रोमेटिड है। अब अगर इस सेल को माइटोसिस या मियोसिस करना है तो क्या होता है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल होता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है। अभी कितने क्रोमेटिड्स हो गए? दो क्रोमेटिड्स, पहले एक था अब हो गए दो क्रोमेटिड्स। लेकिन ये क्या कहलाएगा? एक सिंगल क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये क्रोमोसोम माइटोसिस भी कर सकता है और मियोसिस भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि किस टाइप का क्रोमोसोम है। सो यहाँ कितने क्रोमेटिड्स हो गए? टू क्रोमेटिड्स हो गए सिंगल क्रोमोसोम के मेटाफेज स्टेज में। बट एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं। यहां पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल्स पर चली जाती हैं। जस्ट लाइक दिस, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए और ये अपोजिट पोल्स पे चले गए। अब इसको एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाएगा। सो एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट जो क्रोमेटिड्स हैं वो कितने हो गए? हाफ हो गए। हर क्रोमोसोम के पास यहां पर कितना है? एक क्रोमेटिड है। सो माइटोटिक मेटाफेज में कितने थे? दो क्रोमेटिड्स थे, लेकिन माइटोटिक एनाफेज में कितने हैं? ओनली वन क्रोमेटिड इज देयर, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सिर्फ क्रोमेटिड हाफ हो जाते हैं। सो द फाइनल आंसर इज डी, दैट इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।